क्या कहे जी, पूरा फेल कर दी तुम एकदम प्लान। अच्छा अच्छा, तू मेरी सॉफ्टी, मैं तेरा क्रंच प्रिय, खाना है तो खा ले, आजा लंच प्रिय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ जा। उठ रहे। उठ जा। उठ गए। उठ जा। उठ गए। उठो। फिर से मैं अपने नौटंकीवास पति देव को उठा करके घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। घर में झाड़ू इसलिए भी लगा लेती हूँ, जो मेरे घर में दीदी आती है काम करने, वो थोड़ा लेट से आती है, तो इस वजह से मैं एक बार अपने से खुद से झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर जी जब मेरा झाड़ू लगाया हो जाता है तो मैं रूम आ जाती हूँ और अपने पति देव को बोलती हूँ आप जाओ स्नान करने। और जब तक वो स्नान करने नहीं जाते, मेरा काम करना एकदम मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि वो करने ही नहीं देते, इतनी ज़्यादा शैतानी करते हैं। और जब वो स्नान करने चले जाते हैं तो मेरा रूम खाली हो जाता है। फिर मैं अपना बेड ठीक कर लेती हूँ और इधर उधर जो सामान फैले होते हैं उसको ठीक से कर लेती हूँ। तो जी आप ये देख रहे होंगे कि लैपटॉप में गाना बज रहा है, पतिदेव लगा के गए हैं नहाने के लिए। और गाना ज़्यादा सुनते नहीं है, लेकिन जब भी सुनते हैं ना, शाहरुख खान का गाना सुनते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और वो अपना क्वालिटी ट्यून भी लगा के रखे हैं, हर घड़ी बदल रही है। फिर जी जब पतिदेव नहा के आ जाते हैं तो मैं भी चली जाती हूँ नहाने के लिए। और अब हम हो चुके हैं नहा के तैयार और पूजा भी कर लिया मैंने, अब चले नाश्ता की तैयारी करने। देव ये रहा आपका नाश्ता। बिल्कुल, और आओ तुम भी नाश्ता करो और जल्दी से नाश्ता कंप्लीट करो, लाइव भी आना है 9 बजे और टाइम हो चुका है, बस 10 मिनट है आपके तो पास। तुम नहीं आ सकती है, तुम चले जाओ आज, आज हमको अपना काम है। तब खाना नहीं बनाए? खाना बना लेना, फिर टाइम पे नहीं बनेगा खाना, किचन में लेके चले जाओ, वहाँ नहीं हो पाता है ना, लोग बात करना चाहते हैं। और मैं उनको खाना दिखाऊंगी कि हम खाना बना रहे हैं। फिर जी हम दोनों में लाइव सेशन को लेकर के बहस होने के बाद, और ये बहस तो रोज होती है जी, और इस बहस में जीतती है जिया और अंत में लाइव सेशन मुझे ही लेना पड़ता है। होता यह है कि मुझको भी सुबह में काम रहता है, जिया को भी काम रहता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि अपना काम थोड़ा सा डिले कर देता हूँ, क्योंकि सुबह में आधे घंटे लाइव ले लेता हूँ। और जो भी बात है, हमें फॉलो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ तो बनता है जी। फिर उसके बाद जी हम लोग साथ बैठ जाते हैं खाने के लिए, और जब खाने बैठते हैं साथ में, उसी टाइम जो है हम लोग दिन भर का सारा प्लान कर लेते हैं कि आगे क्या क्या करना है। आप वहाँ स्टिकी नोट भी देख रहे होंगे दीवार में कि ढेर सारी स्टिकी नोट है, तो जी उसी में हम लोग सब कुछ लिख लेते हैं ताकि हम लोग कोई भी चीज़ भूले नहीं। ये बात अलग है कि लिखने के बाद भी 5 में से मुश्किल से 2 काम हो पाता है, अगर 10 काम लिखा होगा तो मुश्किल से 4 काम हो पाएगा, तो ये अलग बात है जी। A few moments later. आज मैं बनाऊंगी कद्दू और चने दाल की सब्जी, और ये कद्दू मैंने धो के अच्छे से काट लिया है। तो मैं बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ कद्दू दाल की सब्जी। इसमें डालेंगे एकदम थोड़ा सा ऑयल, फिर डालेंगे काटा हुआ कद्दू, ये चना, इसको मैंने 2 घंटे पानी में भिगो के रखा है, इसको डाल देंगे इसमें। और ये एक प्याज और थोड़ा सा लहसुन डालेंगे इसमें हम पानी। ऐसे मिला दिए, डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक, करेंगे बंद। जब तक दाल कद्दू उबल रहा होता है तब तक मैं अपना रोटी बना लेती हूँ। जी हम दोनों में से तो कोई रोटी खाता है नहीं, दिन के टाइम हम लोग चावल ही खाते हैं, और शायद बिहार में जो भी होंगे, बिहार के मोस्टली लोग का रूटीन यही होगा, दिन में चावल रात में रोटी, तो वैसा ही हम लोग का भी रूटीन है जी। तो लेकिन यहाँ पर रोटी बनता है हमारे पापा के लिए, मेरे पापा जो है डायबिटिक पेशेंट है, तो उनको डॉक्टर ने मना किया हुआ है ज़्यादा चावल खाने के लिए, तो हम लोग रोटी ही देते हैं। ज्यादा रोटी मुझे बनाना नहीं होता, बस 6 रोटी बनाती, 3 रोटी मैं डैडी को सुबह दे देती हूँ, 3 शाम में। जी डायबिटिक पेशेंट के बारे में बोला जाता है कि उनको एक बार भी भरपेट खाना नहीं देना चाहिए, थोड़े थोड़े गैप में देना चाहिए, तो जी इसलिए जिया ये कर लेती है कि 2 टाइम के लिए खाना बना लेती है, और एक बार में 3 रोटी, दूसरी बार में 3 रोटी। और यदि भरपेट नहीं खाओ तो फिर बीमारी भी और ज्यादा हो सकता है, इस वजह से खाना तो चाहिए भरपेट, लेकिन गैप में देती हूँ।
जी अब मेरा रोटी बन गया है और मैं चाय बना रही हूँ। पर मैं जो काम चल रहे हैं ना, मजदूर लोग काम जो कर रहे हैं, उनके लिए भी चाय बनाना होता है, तो उनके लिए बस मैं चाय बना रही हूँ। जब तक मैं चाय बना रही थी, उधर मेरा दाल कद्दू भी उबल के तैयार हो गया, तो अब बारी आती है उसमें झोंक लगाने की। क्या ये प्याज काट लिया है मैंने, ये अदरक लहसुन का पेस्ट और ये मिर्च, इसमें झोंक लगाना है। उस सब्जी जो उबल गया मेरा, उसमें झोंक लगाना है। इसमें डालना है ऑयल, थोड़ा सा जीरा और ये दो लाल मिर्च, तेज पत्ता और ये प्याज। ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया है और इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये अच्छे से ब्राउन हो गया है, देख सकते हो। इसको ढक करके मैंने उबलने छोड़ दिया है, धीमी आंच 5 मिनट तक। जब उबल जाएगा तो हमारा रेडी हो जाएगा बंद करके। क्या हो गया, यहाँ आकर बैठ गई है? अरे मोबाइल टिप रही है। मोबाइल टिप नहीं रही, मेरा सब्जी वहाँ हो रहा है और थोड़ा टाइम मिल गया उधर से मेरा, तो हम यहाँ इंस्टाग्राम पर रिप्लाई कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। एक बोलती है क्या क्या लगता है भाभी जीत गई है, हम बोले लगता है आप ब्लॉग देखे नहीं। बिल्कुल, बहुत मजा आया था लेकिन तुमको हरा के हमको। और मुझे छीन के चॉकलेट खाने में मजा आया था। हाँ हाँ, और वो जो था एक बचपन की यादें वाला जो था, पिछला चैनल पर डाले थे, उसमें जीत के बहुत खुश हो रही थी, तो इसलिए इस बार जो हरा है ना, फिर मजा डबल हो गया। नेक्स्ट चैलेंज ढूंढते हैं कौन सा सही है। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कौन सा चैलेंज रखा जाए। जितना भी टफ चैलेंज था वो हम जीते, जितना खाने वाला था भूख कर तो वही फटाफट मुंह में। गोलगप्पा चैलेंज कौन लड़की ने जीती है, वो भी हम जीत गए। शर्म करो, गोलगप्पा चैलेंज में हरा दिया तुमको। जीतिएगा, उसमें बहुत तीखा डाल दिए थे आप, और खाने में एक्सपर्ट हो। हम एक उठा के लेंगे, आप एक बार में दो मुँह में डाल दो। अच्छा, झूठी। A few moments later. ये हमारा आज का लंच, तो पूछते हैं जनाब से कैसा लगा उनको खाने में। और जी तब क्या कहना चाहोगे आज के खाने के बारे में? खाने के बारे में नहीं, ये तो हम आपके बारे में कहना चाहेंगे। अच्छा अच्छा, तू मेरी सॉफ्टी, मैं तेरा क्रंच प्रिय, खाना है तो खा ले आजा लंच प्रिय। वाह 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 वाह, क्या बात है, आजकल तो शायर होते जा रहे आप। तो जी बताइए कैसी लगी हमारी शायरी, बताइए जी। आप तो शायर बन गए जी। अरे तुम्हारे प्यार में हम क्या नहीं बने। अब ना ज्यादा बनो मत। क्या हो गया, हम सब देख लिया। क्या देख लिया तुम? आपका एक कोई फ्रेंड था कि पता नहीं कौन था, रमनदीप, वो सेंड किया था वो व्हाट्सएप पे, हम व्हाट्सएप ही भेजने देखे थे। अब सच्चाई क्या है वो तुम मेरे प्राइवेसी में दखल डाली है। और जी मेरी चोरी पकड़ी गई। जी दिन भर रूम में रहती है, बाहर भी नहीं जा रही ड्यूटी पर, तो बाथरूम में अपना घुस के अपना थोड़ा सा रट्टा मारे थे, अब वो भी हम पकड़े गए। क्या कहे जी, पूरा फेल कर दी तुम एकदम प्लान। भागो यहाँ से, झूठे कह के। और जी बताइए कैसा लगा आपको यह वीडियो, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले, और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।